पत्रकार है सभी देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद पवन राणा जिंदाबाद पवन राणा जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये नेता राहुल गांधी जी सारे लड्डू बड़ा गांधी थोड़ी देर फोटो अच्छे छोड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस मैडम सोनिया गांधी राहुल गांधी जी रामनबी आजाद प्रियंका गांधी हम ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और आने वाले इस देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मैडम प्रियंका जी को एज ए जनरल सेक्रेटरी बनाया और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज उन्हें दिया है। प्रियंका जी के आने से प्रियंका जी के साथ साथ हमारे पूर्व सीएम जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनाया और हरियाणा का इंचार्ज बनाया है। सिंधिया साहब भी और भी कई नेताओं को जनरल सेक्रेटरी बना के स्टेटों का इंचार्ज बनाया है। विशेषकर हम प्रियंका जी के लिए बहुत खुश हैं और राहुल जी के सराहनीय कदम से बहुत खुश हैं और हम ये पूरा देश समझ चुका है, पूरे देश की डिमांड थी कि प्रियंका गांधी जी को आगे लाओ और प्रियंका गांधी जी अच्छा काम करेंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में प्रियंका जी की मेहनत करने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और लोकसभा के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। आज इस मौके पर हमने जल्दी जल्दी में ये प्रोग्राम रखा और सब साथी आपस में कांग्रेस के जो डेलीगेट हैं मेंबर हैं पंच हैं सरपंच हैं सब मिलके ये एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हाईकमान को मुबारक देते हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया है और प्रियंका गांधी जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया है। पूरे देश के युवाओं की ये काफ़ी समय से डिमांड थी कि प्रियंका जी आ गए हैं इस जीत का सारे देश के नौजवानों को और सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों को ये भरोसा था कि हाईकमान जो है प्रियंका जी को अच्छी जिम्मेवारी सौंपेंगी और प्रियंका जी इस जिम्मेवार मुझे यकीन है कि उनका राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने अपने पिताजी के साथ काम किया है अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के से, तो मुझे आज प्रियंका जी में हमें पूरे देश को इंदिरा जी नज़र आ रही हैं प्रियंका जी के रूप में। जिस तरीके से इंदिरा जी सारे दुनिया में पूरी दुनिया में सब मुल्कों की ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ी है तो हमें यकीन है कि प्रियंका जी के आने से कांग्रेस में मजबूती आएगी और कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होगी। इसके साथ साथ ही हमारी स्टेट के पूर्व चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को वो पहले भी काफ़ी स्टेटों के इंचार्ज रहे हैं तो उनको भी हरियाणा की जिम्मेवारी दी हुई है। मुझे यकीन है कि उनकी जिस तरीके से उन्होंने पहले पार्टी को मजबूत किया है अब हरियाणा में वो कांग्रेस की सरकार लाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।